दिन टेक्नोलॉजिया में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करेंगे टॉप 5 स्मार्टफोन के बारे में, जो कि अंडर 15,000 के अंदर जो फोन्स है उनको हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि आपको ये फोन्स लेने चाहिए। और यहाँ पर काफी अच्छे फोन्स हैं 15,000 के अंदर, काफी बढ़िया फोन्स। मैं आपके लिए 5 फोन्स सिलेक्ट करके लाया हूँ और यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ पहले फोन्स के बारे में। तो पहला फोन है दोस्तों MI का A1, जिसमें आपको जो प्राइस रखा गया है वो है 14,999 रुपये। इसमें आपको 4 GB की रैम मिल जाती है और 64 GB का इंटरनल स्टोरेज भी इस फोन में मिल जाता है। कैमरे के बारे में बात करें तो कैमरा आपको ड्यूअल कैमरा मिल जाता है इस फोन में, और यहाँ पे आपको 12+12 मेगापिक्सल के 2 सेंसर रियर में दिए गए हैं, और जो आपको फ्रंट कैमरा मिलता है वो आपको मिल जाता है 5 मेगापिक्सल का। और प्रोसेसर के बारे में बात करें तो इसमें आपको मिल जाता है क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 625 प्रोसेसर। तो ओवरऑल ये 15,000 के अंदर काफ़ी बढ़िया फोन्स है, और ये इसका जो प्राइस मैंने आपको बता ही दिया है 14,999 रुपये, आप इसे फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं। तो दोस्तों दूसरे स्मार्टफोन के बारे में बात करते हैं, तो दूसरा स्मार्टफोन है दोस्तों मोटो G5S Plus। हालांकि इसका जो प्राइस है थोड़ा सा 1,000 रुपये ज़्यादा है, लेकिन फिर भी मैं अपनी लिस्ट में इसको शामिल किए हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा बढ़िया फोन्स है और यहाँ पे थोड़ा सा महंगा है, 16,000 रुपये के आसपास आ जाता है। और यहाँ पे दोस्तों बताना चाहूँगा इसमें आपको 13+13 मेगापिक्सल के 2 सेंसर मिल जाते हैं रियर में, जो कि ड्यूअल कैमरा सेटअप फ़ोन है। और यहाँ पे अगर फ्रंट कैमरा के बारे में बात करें तो आपको 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिल जाता है। दोस्तों यहाँ पे मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, ये MI A1 से जो मोटो G5 S Plus का जो कैमरा है वो थोड़ा सा अच्छा है। आप यहाँ पे पोर्ट्रेट मोड जो है काफ़ी अच्छे ले सकते हैं मोटो G5 S Plus से, और बेटर रहेगा MI A1 से। तो यहाँ पे ओवरऑल कैमरा इसका अच्छा है MI A1 से। और यहाँ पे दोस्तों रैम के बारे में बात करते हैं, तो रैम आपको 4 GB की मिल जाती है, 64 GB का इंटरनल स्टोरेज भी इस फोन में मिल जाता है। प्रोसेसर के बारे में बात करें तो प्रोसेसर आपको सेम वही मिल जाता है 625 स्नैपड्रैगन का। तो ओवरऑल ये काफ़ी अच्छा फ़ोन है और इसका लुक देखने में काफ़ी बेटर लगता है, हालांकि MI A1 का भी बहुत ही अच्छा लुक है। तो बढ़ते हैं दोस्तों, ये आप अगर खरीदना चाहते हैं तो अमेजन से इसे खरीद सकते हैं। तो यहाँ पे तीसरा जो स्मार्टफोन है, तीसरा स्मार्टफोन दोस्तों यहाँ पर है टेनोर G, जो कि 12,999 रुपये की प्राइस में आ जाता है। यहाँ पे आपको 4 GB की रैम मिल जाती है और 64 GB का इंटरनल स्टोरेज भी इस फोन में मिल जाता है। यहाँ पर दोस्तों ड्यूअल कैमरा सेटअप फोन दिया गया है, यहाँ पे आपको 13+13 मेगापिक्सल के 2 सेंसर मिल जाते हैं पीछे की तरफ, और आपको जो फ्रंट कैमरा मिलता है वो आपको मिल जाता है 16 मेगापिक्सल का, जो कि काफ़ी अच्छा है दोस्तों। यहाँ पे आपको कैमरा तो अच्छा मिलने वाला है, हालांकि इसमें 16 मेगापिक्सल का जो फ्रंट फेसिंग कैमरा है वो अच्छा है मेरे हिसाब से, और यहाँ पे 13+13 मेगापिक्सल के 2 सेंसर भी इस फोन में रियर की तरफ दिए गए हैं। प्रोसेसर के बारे में बात करते हैं तो आपको स्नैपड्रैगन का 626 प्रोसेसर इस फोन में मिल जाता है, 4 GB की रैम दी गई है, 64 GB का इंटरनल स्टोरेज भी इस फोन में मिल जाता है। तो ओवरऑल एक अच्छा प्राइस में एक अच्छा फोन है। तो बढ़ते हैं चौथे फोन्स के बारे में, तो चौथा फोन्स दोस्तों यहाँ पर है कूलपैड कूलप्ले 6। दोस्तों यहाँ पे एक खास बात यह है, इसका जो प्राइस है 14,999 रुपये, इसमें आपको 6 GB की रैम मिल जाती है और 64 GB का इंटरनल स्टोरेज भी इस फोन में मिल जाता है। यहाँ पे दोस्तों बात करें इसके प्रोसेसर के बारे में, तो प्रोसेसर आपको स्नैपड्रैगन का 653 प्रोसेसर इस फोन में मिल जाता है। यहाँ पर दोस्तों कैमरा आपको काफ़ी अच्छा दिया गया है, ड्यूअल कैमरा सेटअप है, और यहाँ पे आपको 8 मेगापिक्सल का फ्रंट में कैमरा मिल जाता है, और जो इसमें आपको रियर कैमरा मिलता है इसमें 2 सेंसर मिल जाते हैं 13+13 मेगापिक्सल के। दोस्तों यहाँ पे जो लास्ट फ़ोन है वो दोस्तों मैंने सेलेक्ट किया है, थोड़ा सा पुराना हो सकता है, Redmi Note 4। दोस्तों ये इंडिया का पहला
जो स्मार्टफोन है ये इंडिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला स्मार्टफोन है, तो इसको मैंने लिस्ट में शामिल कर लिया है क्योंकि तो इसका जो प्राइस है दोस्तों 12,000 के आसपास है इसका इस समय जो प्राइस है। और यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले बताना चाहूंगा, इसमें आपको 13 मेगापिक्सल का सेंसर मिल जाता है रियर की तरफ, 13 मेगापिक्सल का पीछे की तरफ कैमरा है और 5 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा दिया गया है। स्नैपड्रैगन का आपको 625 प्रोसेसर मिल जाता है, 4 GB की रैम दी गई है और 64 GB का इंटरनल स्टोरेज भी इस फोन में मिल जाता है। तो ओवरऑल ये भी काफ़ी अच्छा फ़ोन है और बहुत ही बढ़िया फ़ोन है दोस्तों, और परफॉर्मेंस में काफ़ी ज़बरदस्त है। हालांकि इसका थोड़ा कैमरा इतना अच्छा नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी बेटर है। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने अपनी लिस्ट में टॉप 5 स्मार्टफोन 15,000 के अंदर मैंने आपको बता दिए हैं, और आशा करते हैं कि आप लोग की क्या राय है इस वीडियो के बारे में, और जो मैंने आपके लिए बताए हैं टॉप 5 स्मार्टफोन, आप लोगों की क्या राय है कि आप कौन से दूसरे फ़ोन हो सकते हैं जो 15,000 के अंदर अच्छे हो सकते हैं। आप अपनी राय दे सकते हैं मुझे कमेंट बॉक्स के थ्रू। तो इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।